सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये वाला ब्लॉग मैं आपके लिए बता दूं कि भाई ये वाला ब्लॉग आपके लिए होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, कैसी क्या चीज़ होने वाली थी। तो फाइनली आज इस ब्लॉग में हम भाई फुली ओपन करके आपको बताने वाले हैं कि क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम थी मेरे आगे जो मैं ब्लॉग को नहीं दे पा रहा। तो भाई अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके मेरे को जरूर बताइए कि भाई ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलते हैं अभी अपनी वीडियो की तरफ। Got a bottle of Patron and some lights off. Pure red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the... तो फाइनली भाई आज हम आपको बताने, भाई काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि भाई जो मेरी बाइक थी वो है किस तरह से क्रैश हो गई थी और उसमें क्या क्या डैमेज हुआ। भाई आज मैं बता दूं, काफी लोग कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि भाई बाइक का क्या क्रैश हुआ था जिसकी वजह से भाई जो है प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आज आपको बताने वाला, तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई अभी सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई मेरा जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था भाई वो था जो प्रॉब्लम मेन हुई थी, तो मैंने आपको पहले बताया, अभी मैं पास से आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये वाला फुटरेस जो था भाई, इसका पूरा ब्रेक वाला पैड है ये वाला पूरा खुल चुका था, जिसकी वजह से भाई ब्रेकिंग सिस्टम जो था पीछे वाला बंद हो गया था। इसमें अच्छा हमको सिखा रही है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट आगे ट्रैक की वजह से भाई मैंने क्या हुआ था, आगे वाले ब्रेक को प्रेस कर दिया था। और आपको पता भाई एबीएस फेल होने के बाद में ये बाइक जो है बहुत ही जल्दी, मतलब सेंसर के हिसाब से टच करके इस बाइक का ब्रेक है ना ऑटोमेटिक लग जाता है। तो भाई जैसे मैंने इसको प्रेस किया था ऑटोमेटिक, आगे वाला व्हील जो मैंने आपको दिखाया था ये स्टॉपिंग वगैरह करते हुए, भाई इसका पूरा टायर है वो आप देख सकते हो भाई बिल्कुल गंजा हो गया, बाल नहीं रह गए इसके सर पे, जितने भी थे वो सारे इसके बाल खत्म हो गए। तो भाई इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा बाइक का जो टायर था वो एक बार रगड़ गया था रोड में और उसकी वजह से भाई बाइक जो थी क्रैश हो गई थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ मेरे को, और भाई उसमें मैं बता दूँ अभी देखो पास से आपको दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी भाई ये चीज़ देखिए, ये वाला जो था लट्टू साइड में लगा हुआ है, साइड जो कवर हम लोग बोलते हैं, तो ये साइड वाला लट्टू ये पूरा क्रैश हुआ था, हैंडल पूरा क्रैश हो गया था और वन साइड का मिरर पूरा खत्म हो गया था और ये वाला लीवर पूरा खत्म हो गया था। और अभी एक चीज़ मैंने जो नॉर्मली नहीं करवाई थी, मैं बताऊँ कि भाई थोड़ा सा क्रैश आया था। तो भाई अभी मैं बताऊं कि देखो भाई ये वाला लाइट पे आपको क्रैश दिख रहा है इस टाइप से, तो भाई ये वाला लाइट का क्रैश बताओ, ये मान के चलो कि भाई ये वाला लाइट का क्रैश नहीं आता तो भाई बहुत ज़्यादा इसका जो लॉस था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। और ये वाला पूरा टी जो था पूरा खत्म हो चुका था, ये वाला मैंने पूरा टी इसकी मैंने चेंज करवा दिया था, क्योंकि भाई ये वाला है ना पूरा, आपको पता है कि भाई जब तक बाइक का मेंटेन नहीं होता है दोनों शॉकर जो होते हैं भाई इसी टी में लगे हुए होते हैं, अगर इसकी थोड़ा सा बैलेंस ही बिगड़ जाती है तो भाई बाइक को क्रैश होने के दोबारा चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। इसका व्हील मैंने अभी चेंज नहीं करवाया था, मैं आपको यहाँ पास से दिखाता हूँ। तो ये वाला पूरा व्हील है ना, ये पूरा व्हील खत्म हो गया था, लेकिन अभी मैंने इसको चेंज नहीं करवाया क्योंकि भाई ये मेरे को अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने चेंज करवा दिया, ये करवा दिया और पूरा हैंडल बार चेंज करवा दिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो भाई ये वाला पूरा क्रैश हो गया था, उसके बाद में मैं बता दूँ कि भाई अभी थोड़ा सा एक डेंट मैंने रह गया था, मैंने अभी इतना नोटिस नहीं करवाया था, बट आपको मैं पास से दिखाता हूँ। भाई ये वाला जो पार्ट्स है ये भाई बिल्कुल देखो यहाँ से फिर से इसको क्रैश आ चुका है, एक बार पहले आता कि भाई ये ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं, तो ये चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं जब भी हमारी बाइक वन साइड गिरती है ना एक साइड में, और ज़्यादातर आपने देखो बाइक जब क्रैश होती है हमारी तो राइट हैंड पे ही क्रैश होती है, ठीक है। तो ये वाला मैंने पोर्शन पूरा नया करवा दिया, उसके बाद में आपने देखा होगा पहले वाली वीडियो मैंने एक बार मॉडिफिकेशन इसका कराया था, जो इसका साइड कवर लगा हुआ था इसको मैंने रैप करवाया था, ठीक है। भाई ये वाला पूरा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से भाई ये वाला पार्ट पूरा नया पड़ चुका है, ठीक है। अभी बात करते हैं भाई मेन जो जिसकी वजह थी हमारी एक्सीडेंट होने की, तो भाई वो मेन वजह थी भाई हमारी ये ब्रेकिंग सिस्टम पूरा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कंपनी वालों को वहाँ शोरूम पे बोल के भाई उनको पूरा मैंने रेडी करवा दिया, ये वाला पूरा फुटपैड और जो ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ से लेके वहाँ तक था पूरा इसको मैंने नया करवा दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, इसको मैं ज़्यादा राइड नहीं कर पा रहा था इसकी वजह से, ये साइड वाला कवर जो था भाई रोड में रगड़ने की वजह से ये पूरा साइड कवर यहाँ से आपने देखा था फट चुका था, जिसकी वजह से भाई इसका ना ऑयल जो था ना वो लीकेज हो चुका था। तो भाई ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी मेरे आगे, भाई मैं बाइक को वैसे तो ब्रेकिंग के बिना भी चला सकता था, और भाई ये क्या सीन था भाई इसके, ये सीन था सबसे बड़ा कि इसमें मोबिल का जो था सीन लीकेज हो जाता था भाई। तो भाई अभी दो एक पार्ट्स वगैरह और रह गए जो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ भाई। तो उसके बाद में भाई ये वाला हमारा पूरा फुटपैड जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन भाई इसको मैंने उस समय जब मैंने बाइक ली थी तो इसको केवल रेडी करवाने के लिए मैंने इसमें ये वाला फुटरेस जो है लगवा दिया था, जिससे क्या सीन था कि भाई ये मेरी बाइक है ना यहाँ पे पैर रखने के लिए सिस्टम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एग्जॉस्ट था जो ऊपर पत्ती लगी हुई है भाई, पूरा ये वाला कवर जो है आप देख ही सकते हो भाई पास से बिल्कुल देखो, देख लो, ठीक है भाई ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना खत्म हो चुका है, लेकिन भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, बस ये है कि इससे काम चल जाएगा।
और उसके बाद में भाई बात करते हैं अभी साइड की, तो भाई साइड में हम लोग दिखा देते हैं। भाई आप लोग जानते हो भाई साइड पैनल जो हमारे लगे हुए होते हैं साइड कवर, वो कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भाई डॉट जब लगा था तो हमारी ये बाइक जो थी रोड पे क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से भाई गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और बाइक हमारी क्रैश हो गई थी। और ये इसके बाद में भाई थोड़ा सा एक डेंट यहाँ पे आया हुआ है, जो भी देखो भाई पास से देख लो बिल्कुल, ये वाला डेंट जो है बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को। बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आगे चल के कभी चेंज करवा दूंगा, क्योंकि भाई अभी मेंटेन करना एकदम से मुश्किल है भाई, जिसमें ऑलरेडी मेरा पैसा जो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है, तो अभी मेरे पास में इतनी अर्निंग भी नहीं हो रही है। पर नॉर्मली आप लोगों के सपोर्ट से भाई मैं लगा हूँ और देखता हूँ भाई क्या सपोर्ट आप लोगों का मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं आपको कैसा लगा भाई ज़रूर बताना, कि भाई इस वाले ब्लॉग में भाई बहुत ज़्यादा मेरा मोटा खर्चा हो गया था। भाई अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो भाई मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।